हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, जो मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले वाली हिस्ट्री है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वाले मीन्स अपने वेद पुराण, अशोका के टाइम की और उसके उस टाइम की जो डायनेस्टी हुई, उस टाइम में जो कुछ भी युद्ध हुए, जो कुछ भी काम हुआ उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री की जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवी चंद्र गुप्ता अ प्ले बाय विशाखा दत्ता टेल्स स्टोरी अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। देवी चंद्र गुप्तम ये प्ले था, ये विशाखा दत्ता के द्वारा लिखा गया था। इसमें किस रूलर की स्टोरी बताई गई थी? श्री गुप्ता, रामा गुप्ता, भानु गुप्ता या विष्णु गुप्ता? राइट आंसर इज रामा गुप्ता। रामा गुप्ता कौन था? रामा गुप्ता वॉज द एल्डर सन ऑफ इमीडिएट सक्सेसर ऑफ समुद्र गुप्ता। समुद्र गुप्त के बाद जो एकदम से जो राजा आया था, किंग आया था, वो था रामा गुप्ता। रामा गुप्ता के बारे में विशाखा दत्ता ने ये प्ले ये बनाया था। सेकंड है, हु रोट द बुक पंच सिद्धांतिका, किसने ये बुक लिखी थी पंच सिद्धांति का, किसने लिखी थी? वरामीरा, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता या कालिदास? इसका सही आंसर है वरामीरा। वरामीरा कौन था? वरामीरा वाज वन ऑफ द ओनली रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉगर। वरामीरा कौन था? ये बहुत ही फेमस इंडिया का उस टाइम का मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉगर था। कौन था? वराहमिहिर। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। इसमें से कौन सी सिंधु घाटी की साइट है, स्थल है, वो इंडिया में प्रेजेंट उपस्थित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर ए है, ये है चनुदारो। चनुदारो इस टाइम इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। जो रिमेनिंग थ्री हैं, फरमाना, खिरासरा एंड लोथेश्वर, ये तीन के तीन इंडिया में हैं, जबकि जो फर्स्ट है वो इंडिया में नहीं है। उसके बाद फोर्थ है, विच इंडियन सिटी वॉज ऑल्सो नोन एज कुसुमपुरा ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड। पुराने समय में कुसुमपुरा नाम का जो साइट था, स्थल था, वो इस टाइम में किस नाम से फेमस है, किस टाइम से वो आज के टाइम में जाना जाता है? तो राइट आंसर इज पटना। पटना को हम पहले कुसुमपुरा बोलते थे। उसके बाद है, अचरंगा सूत्रा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। अचरंगा सूत्रा किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर इज जैनिज्म। ये जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अचरंगा इज द फर्स्ट ऑफ द 12 अंग। ये जैन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने इसके इसके बारे में अच्छे से पता है, इन अंगों के बारे में इसमें जैन धर्म में बताया गया है सबके बारे में। तो अचरंगा इज द फर्स्ट ऑफ द 12 अंग, 12 में से सबसे पहला जो अंग है वो अचरंगा है। पार्ट ऑफ द अंगमास रिलीजियस टेक्स्ट, ये रिलीजियस टेक्स्ट मतलब ये जो धर्म के बारे में लिखा गया हो, जहाँ जिस किताब में धर्म के बारे में लिखा गया वो है रिलीजियस टेक्स्ट। विच वर कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ महावीरा। महा जो ये अंग लिखा गया था ना अचारंगा, ये किसके बेस पे लिखा गया था? टीचिंग ऑफ महावीरा, जो महावीर ने पढ़ा दिया गया था, पढ़ाया था, उसके बेस पे अचरंगा था जो वो लिखा गया था। उसके बाद है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। थर्ड बौद्ध धर्म की जो काउंसिल हुई थी, बहुत सी काउंसिल हुई थी, अबाउट 10 to 12 काउंसिल्स हुई थी। इसमें से जो स्टार्टिंग की है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, कौन से प्लेस पे हुई थी ये? तो
तो राइट आंसर इज पाटलिपुत्र, फर्स्ट इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंड इन अबाउट 250 BC, 250 BC में ये थर्ड काउंसिल हुई थी एट अशोकारामा इन द पाटलिपुत्र, अशोक के टाइम में ये काउंसिल हुई थी। उसके बाद द फेमस बुक सूत्र कृतंगा प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ, जो सूत्रकृतंगा बुक है, सूत्रकृतंगा ये किसके बारे में स्टोरी बताता है, किसकी लाइफ के बारे में ये बताया गया है इसमें, तो राइट आंसर इज महावीर। महावीर था जिसने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो महावीर सूत्रकृतंगा इज द सेकंड अंग ऑफ द 12 मेन अंग ऑफ द जैन कैनन्स, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसके बाद जो सेकंड अंग है वो किसके क्या है, वो है सूत्रकृतंगा। सूत्रकृतंगा इज द सेकंड अंग ऑफ 12 मेन अंग ऑफ द जैन कैनन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ कालिदास टेल्स द स्टोरी ऑफ मॉर्टल किंग, इसमें से कौन सा प्ले, कालिदास का कौन सा प्ले बताता है, किसके बारे में बताता है, किंग पुरुरावस एंड कैलेस्टियल नेम्स उर्वशी वो फॉल्ड इन लव, दो एक किंग और एक राजकुमारी, किंग का नाम है पुरुरावस और राजकुमारी उर्वशी की जो प्रेम कहानी थी, प्रेम कथा थी, उसके बारे में कौन सी स्टोरी कालिदास ने लिखी थी, तो वो है विक्रमो वासियाम, ये इसका थर्ड आंसर है। विक्रमो वासियाम में लिखा गया है उर्वशी और किंग पुरुरावास के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है मुंदुका उपनिषद एंड द प्रश्न उपनिषद आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वेद, ये तीन उपनिषद है मुंदुकिया उपनिषद एंड प्रश्न उपनिषद, ये तीन उपनिषद किस वेद के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें राइट आंसर है अथर्ववेद के साथ ये तीन उपनिषद जुड़े हुए हैं। दो का नेम बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, एक का नाम है मुंदुका, एक का नाम है मंदुक्या और थर्ड है प्रश्न उपनिषद, ये अथर्ववेद के साथ जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद टेक्स्ट इंक्लूड्स 3 प्राइमरी उपनिषद, अथर्ववेद में 3 पहले उपनिषद हैं, इन्फ्लुएंशली टू द वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदी फिलोसफी। नेक्स्ट इज टैट ट्वाम असी अ संस्कृत फ्रेज, ये फ्रेज है, ये एक हम बोल सकते हैं एक लाइन है, फ्रेज है, ओरिजिनली अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद, किस उपनिषद से ये लिया गया है, कहाँ ये पाया गया था, तो राइट आंसर इसका सेकंड है चंदोग्या उपनिषद में ये टैट ट्वाम असी पाया गया था। ओके उसके बाद है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, अब तक के जो 10th क्वेश्चन थे ये बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री के थे, टोटली एंशियंट हिस्ट्री के थे, उसके बाद जो ये 10 क्वेश्चन होंगे ये थोड़ी उसके बाद हमारी अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री के टच में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला इसमें 11th क्वेश्चन है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, यूरोपियन टाउनशिप भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में लगाई थी गई थी, किस जगह पे यूरोपियन जो लोग आए थे उन्होंने अपनी काम करने का स्थल जो चुना था, राइट आंसर इज कोची, कोची में ये अपनी पहली टाउनशिप थी। फोर्ट कोची इन अरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला में है कोची, इज द फर्स्ट यूरोपियन टाउनशिप इन इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू होलैंड टू फ्री ट्रेड इन द स्टेट, किसने गोल्डन फरमान दिया था होलैंड को कि वो बिना टैक्स के बिना कुछ दिए अपनी यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, राइट आंसर इज गोलकुंडा, गोलकुंडा ने, थर्ड इज द राइट आंसर, गोलकुंडा ने ये फरमान, गोल्डन फरमान
जारी किया था। इन 1632 इंग्लिश ऑब्टेन द गोल्डन फरमान विद द राइट टू ट्रेड इन द किंगडम ऑफ गोलकुंडा। 1632 में गोलकुंडा ने ये फरमान जारी कर दिया था कि जो इंग्लिश हैं, यूरोपियन हम बोल सकते हैं होलैंड है जो, वो वहाँ के लोग, वहाँ के जो व्यापारी हैं यहाँ पे फ्री ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कर के। उसके बाद है ट्रेटी ऑफ सालबाई इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वार। जो सालबाई की संधि है ये किस वार के साथ, किस युद्ध के साथ जुड़ी हुई है? राइट आंसर इज़ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के साथ ये ट्रेटी ऑफ सालबाई जुड़ी हुई है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782 में 1782 में हुआ था बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मराठा एम्पायर। और इसके रिप्रेजेंट कौन करता है? मराठा एम्पायर। उसके बाद द बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एंड, और किस किंग के साथ ये युद्ध हुआ था? एक तो था इसमें ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तो कंपनी थी जो अंग्रेज थे मीन, और एक था इंडिया का कोई किंग, तो उस किंग का नाम है मीर कासिम। राइट आंसर इज ए मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1764 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है? राइट आंसर इज वुड्स डिस्पैच को इंडिया एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ए इज़ द राइट आंसर। सर चार्ल्स वुड वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्ल्स वुड जो थे वो क्या थे? वो प्रेजिडेंट थे किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वायसराय पास द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। उस टाइम कौन सा वायसराय था जिसने ये एक्ट थे, जो एक था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और एक आर्म्स एक्ट ये पास किए थे? राइट आंसर इज लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन ने दो पास किए थे 1878 में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट एंड द आर्म्स एक्ट। लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड लाइटन सर्व्ड एज द वायसराय ऑफ इंडिया 1876 टू 1880। इसने चार साल वायसराय का पद का जो ग्रहण किया था, और उसने चार साल में ये अच्छे मीन्स ये एक्ट पास किए थे। उसके बाद है वो वॉज द ओनली वायसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर्ड इन ऑफिसी। अकेला वायसराय था जो अपने खुद के ऑफिस में मारा गया था। राइट आंसर इज लॉर्ड मायो। ए इज द राइट आंसर। वाइल विजिटिंग द कन्विक्ट सेटलमेंट ऑफ द पोर्ट ब्लेयर इन द अंडमान आइलैंड इन 1872 फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ पठान कन्विक्ट। पठान ने लॉर्ड मायो का, जब ये अंडमान आइलैंड में विजिट के लिए गया था, तो वहाँ पे इसको मार दिया था, किल कर दिया था, स्ले कर दिया था। किसने मारा था? पठान ने मारा था इसको। वो कब मारा था? 1872 में। उसके बाद लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर, हंटर कमीशन बनाई गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर कमीशन बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी? राइट आंसर इज एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया। एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, एजुकेशन में थोड़े और चेंजेस करने के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किया था, और ये गठन किया था 1882 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर। इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो था सर विलियम हंटर। इसी वजह से इस हम बोल सकते हैं इस कमेटी का जो नाम था वो हंटर कमीशन भी रखा गया, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट का क्या नाम था? सर विलियम हंटर। नेक्स्ट इज विच वॉयसराय पास द फेमस इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। किस वॉयसराय ने ये पेपर करेंसी और कॉइनेज कॉइन वाले करेंसी को पास किया था, और कब पास किया था? 1899 में।
1899 में ये पास हुआ था, तो राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन. इन जनवरी 1899 लॉर्ड कर्जन वॉज अपॉइंटेड वाइस राय ऑफ इंडिया पास द इंडियन कोइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899. तो 1899 में लॉर्ड कर्जन ने ये एक्ट पास कर दिया था इंडिया की करेंसी के बारे में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज मराठा मकैवेली, कौन इस नाम से जाना जाता है. राइट आंसर इज नाना फडणवीस इस नाम से जाने जाते हैं. नाना फडणवीस वाज एन इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर एंड स्टेट्समैन ऑफ द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन. जो नाना फडणवीस थे ये उस टाइम के बहुत प्रभावशाली मंत्री थे मराठा एम्पायर में, मराठा डायनेस्टी में, ड्यूरिंग द पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन. पेशवा का जिस टाइम राज हुआ करता था उस टाइम में नाना फडणवीस बहुत प्रभावशाली नेता थे, बहुत प्रभावशाली मंत्री थे. तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे. जिसने भी ये वीडियो देखी अगर उसको पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल अमराव क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू दोस्तों.